Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. वर्तमान में कोरोना वायरस के कहर से सभी परेशान हैं, जिसके चलते इटली जैसे उन्नत देश में भी हर दिन सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा हादसा पहली बार हुआ है। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब एक साथ लाशों के ढेर देखने को मिले थे। आज इस कड़ी में हम आपको एक ऐसे जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर पिछले 100 साल से कोई जानवर नहीं गया। इस जगह का नाम है जॉन रोग, जो फ्रांस के उत्तर पूर्वी इलाके में स्थित है। पिछले 100 सालों से इस इलाके को फ्रांस के बाकी क्षेत्रों से काट कर रखा गया ताकि कोई यहाँ नहीं आ सके। इतना ही नहीं, इस इलाके में जगह जगह डेंजर जोन के बोर्ड भी लगे हुए हैं जो ये दर्शाते हैं कि यहाँ आने का मतलब है अपनी जान को जोखिम में डालना। प्रथम विश्व युद्ध से पहले यहाँ कुल 9 गांव थे। यहाँ लोग रहा करते थे और खेती करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन विश्व युद्ध में यहाँ इतना गोला बारूद और बम गिरा कि पूरा का पूरा इलाका ही बर्बाद हो गया। यहाँ लाशों के ढेर लग गए और भारी मात्रा में केमिकल युक्त युद्ध सामग्री पूरे इलाके में फैल गई। इस इलाके में सिर्फ जमीन ही जहरीली नहीं है बल्कि पानी में भी जानलेवा तत्व मिले हुए हैं। 2004 में कुछ शोधकर्ताओं ने इस जगह के मिट्टी और पानी का परीक्षण किया था, जिसमें भारी मात्रा में आर्सेनिक पाया गया। दरअसल आर्सेनिक एक जहरीला पदार्थ है जिसकी एक छोटी सी मात्रा भी अगर गलती से इंसान के मुंह में चली जाए तो कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो सकती है। कुछ लोग इस जगह को भूतहा भी मानते हैं। उनका मानना है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान मारे गए लोगों की आत्माएँ यहाँ भटकती हैं। हालांकि उस समय के 9 गांव जो युद्ध में बर्बाद हो गए, उनमें से 2 गांवों का आंशिक रूप से पुनर्निर्माण चल रहा है, जबकि बाकी के 6 गांव अभी वीरान हैं, जहां दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। इस जगह को नो मेंस लैंड भी कहा जाता है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।